हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो 5 मिनट सीरीज। एंड आज का हमारा टॉपिक है वीडियो स्टूडेंट ब्रिज। इन दिस 5 मिनट चैनल पर पहली बार आए हो, क्लास 12th बोर्ड इस साल दे रहे हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। इस साल अगर दे रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट। तो याद रखो कि वीडियो स्टूडेंट ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है, डिवाइस नहीं है। वीडियो स्टूडेंट ब्रिज एक अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंसेस का, जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। भैया चार रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है और उसमें एक रेजिस्टेंस अननोन है और उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस मुझे मिल गई रोड पर पड़ी हुई, तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, डिटरमाइन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए अब बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से जो है फंक्शनिंग करता है। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रेजिस्टेंस आएगी पोटेंशियल चेंज होगा, रेजिस्टेंस आएगी पोटेंशियल चेंज होगा। ये आई रेजिस्टेंस पोटेंशियल चेंज हुआ, ये आई रेजिस्टेंस पोटेंशियल चेंज हुआ, ये आई रेजिस्टेंस पोटेंशियल चेंज हुआ। बिकॉज़ हम जानते हैं बोला पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी पोटेंशियल चेंज होगा, दैट्स ऑल भाई गोल्डन रूल। अच्छा एक और बात सुनो, अगर तीन बार रेजिस्टेंस आएगी तो तीन बार पोटेंशियल चेंज होगा, और अगर 10 बार रेजिस्टेंस आएगी तो 10 बार पोटेंशियल चेंज होगा। गोल्डन रूल नंबर 2, गोल्डन रूल डिपेंड करता है बोला किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसकी जान है, इस रूल की। भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, याद रखना, सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। भाई करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी तो पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन अगर आप इन सभी पोटेंशियल चेंज का सम कर दें, एडिशन कर दें, तो एक क्लोज्ड लूप में वो जो सम है वो हमेशा जीरो होता है। तो याद रखो I1 into R1 पहला चेंज इन पोटेंशियल, I2 into R2 दूसरा चेंज इन पोटेंशियल, I3 into R3 तीसरा चेंज इन पोटेंशियल, और इस तरह से एक पूरे क्लोज्ड लूप में, एक पूरे सर्किट में अगर आप सभी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को सम करोगे तो आंसर आएगा जीरो। तो स्टूडेंट ध्यान से समझना, अब हम ये जानने वाले हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम किस तरह से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस इस डायग्राम पर ध्यान देना, फोकस डायग्राम पे देखो। भाई देखो आपको यहां पर दो लूप दिखाई दे रहे होंगे, लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड रास्ता, ए बी डी ए पहली चीज, बी सी डी बी और भी है, लेकिन आपको इन दो पर ध्यान देना है। चलिए इन दोनों लूप में हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, आता हो तो ठीक है, नहीं बता देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि लेट से ये जो एस है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए ध्यान दो, तो किरचॉफ लूप में दैट मीन किरचॉफ लॉ हमें लगाना है लूप ए बी डी ए में। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप याद रखो बस करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन अगर बराबर है, सेम है, तो साइन पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव। एक बार फिर, करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन अगर सेम है तो साइन पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। हमारी डायरेक्शन देखो कैसी है, बोला यहां से ऐसे चलना है, और करंट की डायरेक्शन इसमें एरो से दिखाई जा रही है। मान लो कि यहां से करंट आया आई, यहां से करंट आया आई, अब देखना करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, आई करंट ऊपर गया I1, नीचे गया I2। मान के चलो कि ये पॉइंट अभी के लिए मान के चलो कि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, तो कुछ करंट ऊपर से लोअर पोटेंशियल की साइड आगे बढ़ेगा। तो देखो भाई I1 ऊपर गया, I1 यहां तक आया, इस I1 में से कुछ हिस्सा IG इस गैल्वेनोमीटर में आ गया, तो यहां पर कितना बचा, बोला I1 - IG। ये I1 - IG यहां पर आया, यहां पर रखा है, बोला आगे बढ़ेगा। अब देखो नीचे से आया I2 और इससे मिल गया IG, तो I2 + IG किसके पास गया, बोला S के पास, और यहां पर I1 - IG I2 + IG मिलेगा, तो वापस से ऐड करने के बाद कितना करंट हो जाएगा I। ये तो हुआ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कैसे लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज, तो देखो इन लूप ABDA, इस ABDA को देखो, तो देखो क्या करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस सम ऑफ ऑल I into R इज इक्वल टू 0। तो देखो पहला लूप A से लेके B तक जा रहे हो, हम कैसे चल रहे हैं, बोला हम जा रहे हैं A से B, करंट भी देखो A से B, साइन आएगा पॉजिटिव, तो I1 into resistance P। अब देखो B से D, हम जा रहे हैं B से D, और करंट भी जा रहा है B से D, तो देखो I1 into G प्लस साइन के साथ। चलिए अब आगे आए, बोले हम जा रहे हैं D से A, लेकिन इसमें करंट आ रहा है A से D, उल्टा, बोला नेगेटिव साइन, देखो I2 into resistance R इज इक्वल टू 0। समझ में आया, अगर इस कंडीशन में अगर बैलेंस कंडीशन अगर बन जाए किसी भी कारण से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने से, तो ये बैलेंस कंडीशन में आईजी हो जाता है 0, गैल्वेनोमीटर में करंट होता है 0, और जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो I1P - I2R इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को जो है इक्वेट करके इक्वल टू को सामने आमने सामने रख के इसे बना दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब आते हैं लूप नंबर सेकंड। अब देखो हमारी चलने की डायरेक्शन, मतलब एरो देखो ऐसे लगा है, दैट मींस हम भी कहां चल रहे हैं, मतलब बी से सी और करंट भी बी से सी, तो साइन आ गया पॉजिटिव आई वन माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस क्यू। चलिए अब हम जा रहे हैं सी से डी, लेकिन करंट जा रहा है डी से सी, ऑपोजिट बोला नेगेटिव साइन लगा दिया। करंट कितना आई टू प्लस आई जी और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बोला एस है। चलिए अब देखो डी से ए, हम जा रहे हैं डी से ए, करंट आ रहा है आई नीचे की साइड है ना, तो आई जी इंटू जी, लेकिन कैसा नेगेटिव, आई जी इसमें आने वाला करंट और जी इसकी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, आई जी को कर दिया जीरो, इनबैलेंस कंडीशन हो जाता है। चलिए तो आई जी अगर इसमें जीरो हो गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो बचेगा क्या भाई, ये बचा। इसके बाद इन दोनों को इक्वल टू के आमने सामने रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का डिवाइड किया, तो आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। खत्म खेल, खत्म खेल। हमें क्या निकालना था, S निकालना है। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये कैसे निकल आएगी, ये हो जाएगी आर क्यू अपॉन P। ये हो गई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, और यहां से जो है हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कॉमेंट सेक्शन बताना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।